चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट आई वन एंड आई टू विद आई वन इज ग्रेटर देन आई टू व्हेन द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द वायर्स इज 10 माइक्रो टेस्ला। इफ द डायरेक्शन ऑफ आई टू इज रिवर्स द फील्ड बिकम 30 माइक्रो टेस्ला द रेशियो ऑफ आई वन एंड आई टू। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब करंट अगर मान लो आई वन ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरे वायर में करंट का डायरेक्शन भी वही है सेम है, तो अगर कोई पॉइंट है पी यहाँ पर बीच में, तो पहले वायर ये पहला वायर कंसिडर कर लो ये दूसरा वायर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इनवर्ड होगा बी वन, और इसकी वजह से आई टू करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और बी वन करंट की वैल्यू कितनी है? आई वन इज ग्रेटर देन आई टू, तो बी वन इज ग्रेटर देन बी टू होगा इसका मतलब है, क्योंकि मिड वे में मान लो ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी वन माइनस बी टू इज इक्वल टू 10 माइक्रो टेस्ला बोल रहा है। और जब इसमें करंट की डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं, यानी आई वन की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन आई टू की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो आप देखो पहले वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही होगी इनवर्ड, लेकिन इसकी वजह से भी इनवर्ड ही होगी, ठीक है, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दोनों का सम होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, 30 माइक्रो टेस्ला। ये फैरड लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको ठीक कर दें, माइक्रो फैरड नहीं है, माइक्रो टेस्ला क्वेश्चन दिया, ठीक है, माइक्रो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है ना, ठीक है, माइक्रो टेस्ला करेक्ट। अच्छा अब दोनों इक्वेशन से अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या आएगा? बी वन टू बी वन टू सॉरी टू बी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 माइक्रो टेस्ला, बी वन इज इक्वल टू 20 माइक्रो टेस्ला। अगर बी वन की वैल्यू 20 है तो बी वन की वैल्यू कितनी होगी? बी टू की वैल्यू 10 माइक्रो टेस्ला होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर B1 की वैल्यू ऐसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूँ तो क्या लिखूंगा? V नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1, और B2 की वैल्यू क्या लिखूंगा? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2, R1 और R2 की वैल्यू सेम है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 upon 2 pi R, दोनों को डिवाइड कर दो, B1 upon B2 is equal to I1 upon I2 आएगा, करेक्ट है। और B1 upon B2 की वैल्यू है कितनी? B1 की वैल्यू 20, तो 20 upon 10 is equal to I1 upon I2, it means यहाँ से अगर मैं यहाँ लिख दूँ, so I1 by I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है I1 upon I2 की वैल्यू 2, कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।